कोविड के बाद जिस तरह का पूरा विश्व का माहौल बना था, हम चाहते हैं कि इंडिया के लिए दुआएं मांगे और अमन और चैन रहे, सब खुशहाल रहे, ताकि आने वाला भारत का जो कल है वो बहुत ही खूबसूरत हो। इस तरह की दुआएं आप हम चाहते हैं पूरे अमन और चैन के लिए, पूरे भारत के लिए आप मांगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का एक बेटा इतनी ऊंचाइयों तक जाने के लिए सबसे पहले तो जज्बा रखता है और फिर इमोशनल और आध्यात्मिक, यानी उसका अल्लाह और विश्व में विश्वास है, उस विश्वास पे एक कदम, हर एक कदम आपका विश्वास के साथ चल रहा है, जिसमें पूरा इंडिया आपके साथ है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरो आफिस से होंगे। सो नाजरीन, आपने देखी वीडियो क्लिप किस तरह से सिया बाई की मोहब्बत में राजस्थान पुलिस सिया बाई के कदम से कदम मिला के सिया बाई के साथ चल रही है, और साथ में जहां भी सिया बाई जाते हैं वहां हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिया बाई को देखने के लिए। और जिस लोकेशन पे पहुंचने वाले होते हैं सिया बाई, वहाँ पहले 2-4 घंटे पहले से ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करो, कहीं भी स्किप मत करना। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर, जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी आप देख सकते हो सिहाब भाई के साथ राजस्थान पुलिस कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के चल रही है, और जहाँ भी सिहाब भाई जाते हैं। और साथ में नाजरीन, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये बता दूँ, अभी सिहाब भाई की जो एग्ज़िट लोकेशन बताई जा रही है वो राजस्थान की है, और जो ये एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि सिया बाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, सिया बाई पंजाब पहुंच चुके हैं, इसकी क्या हकीकत है? हकीकत ये है नाजरीन, अभी सिया बाई पाकिस्तान नहीं पहुंचे, ये फेक न्यूज़ है, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। बाकी जब सिया बाई पाकिस्तान की ओर पढ़ेंगे, पाकिस्तान की ओर चलेंगे, तो हम आपको लाइव अपडेट कर देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे किस तरह से सिया बाई का पाकिस्तान के अंदर वेलकम किया गया। अभी फ़िलहाल सिया बाई इंडिया के अंदर है, राजस्थान के अंदर। आपने वीडियो क्लिप देखी किस तरह से सिया बाई के साथ राजस्थान पुलिस चल रही है। और साथ में नाजरीन, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होता होगा कि सिया बाई डेली कितना चलते हैं, कितना किलोमीटर चलते हैं। वो भी गाइज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नाजरीन, सिया बाई कम से कम 25-30 किलोमीटर डेली पर डे चलते हैं। आपका सुनना मेरा कहना आसान हो सकता है, लेकिन जो बंदा इंडिया से पैदल चल के सऊदी अरब, हर चीज़ की फैसिलिटी है नाजरीन, हवाई जहाज़ की फैसिलिटी है और भी साधन है, लेकिन अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए सिहाब भाई इंडिया से पैदल चल के सऊदी अरब जा रहे हैं। नाजरीन, आपको सिहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि सिहाब भाई के रास्ते में, सफ़र में किसी भी तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिया बाई का सफ़र पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, काफ़ी सारी कंट्रीज़ होके जाना पड़ेगा। जब इंसान इतने लंबे सफ़र पे जाता है, वो भी पैदल, तो हर चीज़, हर कंडीशन को देख के जाना पड़ता है, बीच में जंगल भी पड़ेगा, साथ में पहाड़, रेगिस्तान को भी देख के जाना होगा। इसलिए नाजरीन, सिया बाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। सो नाजरीन, अभी सिया बाई राजस्थान के अंदर है, इसके बाद सिया बाई जाएंगे पंजाब। पंजाब जाने में कम से कम अभी 10 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन जब सिया भाई पाकिस्तान की ओर बढ़ेंगे या पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, हम आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और साथ में नाजरीन, जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह आपकी वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होती। जब सिया भाई अपने घर से निकले थे हज के इरादे से, तो सिया भाई को मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ लोगों का इतना प्यार मिलेगा और अल्लाह इनको इतनी इज्जत से नवाजेगा। बाकी आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हो, जहाँ भी सिया भाई जाते हैं, कहीं फूलों की बारिश की जाती है, कहीं फूलों की चादर बिछा दी जाती है सिया भाई की मोहब्बत में कई किलोमीटर दूर तक। और नाजरीन, सिया भाई ने यह भी सिद्ध कर दिया, लोग अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए अपनी नज़दीकी मस्जिद में भी नहीं जा पाते, लेकिन ये शख्स इंडिया से पैदल चल के अपने रब को राज़ी करने के लिए सऊदी अरब मक्का मदीना जा रहा है।
सो नाज़रीन, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, हर जगह वीडियो को डाल दो। नाज़रीन, आप देख सकते हो ये पुलिसकर्मी सियाह भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बाकी हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। आपको वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी देख सकते हो आप किस तरह से सियाह भाई के साथ लोगों की भीड़ और साथ में पुलिसकर्मी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बाकी हम सबकी यही दुआ है सियाह भाई के रास्ते में किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। और साथ में हम आपको दिखाते रहेंगे कहां तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान कहां पहुंचेंगे। अभी पाकिस्तान पहुंचने में कम से कम अभी 20 से 25 दिन, एक महीना लग सकता है। अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे, कम से कम एक महीना आप मान के चलो सियाह भाई को पाकिस्तान पहुंचने में एक महीना कम से कम लग जाएगा। और साथ में नाज़रीन, आपको जो फेक न्यूज़ होती है उसको बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं सियाह भाई, वहां पहुंच चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं। अभी कहीं नहीं पहुंचे सियाह भाई, इंडिया के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर। और जब सियाह भाई आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, पंजाब की तरफ जाएंगे, कि जहां जहां भी जाते रहेंगे, हम आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे। बस नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को अपडेट करने के लिए। देखा आपने किस तरह से सियाह भाई के साथ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है सियाह भाई ने लोगों से अपील करी, आप अपने घर चले जाओ, इकट्ठा मत हो, लेकिन सियाह भाई की मोहब्बत में लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। और साथ में नाज़रीन, सियाह भाई हमें एक नौजवानों को एक मैसेज भी देते हैं, एक पैगाम भी देते हैं कि आप अपने घर से नमाज के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते। ये बंदा इंडिया से चल के सऊदी अरब जा रहा है हज के लिए। बस नाज़रीन, मैं आप वीडियो को यहीं एंड करूंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है। जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जो भी आपके पास ग्रुप अवेलेबल है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो, हर जगह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। बाकी आप देख सकते हो वीडियो क्लिप के अंदर सियाह भाई छत पर खड़े हैं और हज़ारों की तादाद में लोग सियाह भाई को देखने के लिए नीचे की तरफ खड़े हैं। बाकी देख सकते हो नाज़रीन आप किस तरह से लोग वीडियो भी बना रही हैं सियाह भाई की, और सियाह भाई को लोग सलाम भी करते हैं और सियाह भाई से मुलाकात करते भी हैं। देख सकते हो नाज़रीन, वीडियो क्लिप के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है वीडियो को। चलिए नाज़रीन, मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। आपको मैंने दिखा दी सियाह भाई की एग्ज़िट लोकेशन क्या है और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, राजस्थान के अंदर। चलिए नाज़रीन, मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।